हेलो अस्सलाम वालेकुम, विशिंग यू ऑल द ब्लेसिंग ऑफ द होली मंथ, रमज़ान मुबारक। इसी के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे एक अपनी और रेसिपी जो बहुत ही डिलीशियस बनती है, पफ पेस्ट्री रोल। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसके लिए लिया है चिकन, के क्यूब्स ले लिया, सॉल्ट एंड पेपर लिया, ब्लैक पेपर, और साथ में चाहिए मिक्स हर्ब, मशरूम्स, ग्रीन पीस, कैप्सिकम, ऑयल, मोज़रेला चीज़ एंड पफ पेस्ट्री। ये रेडीमेड पफ पेस्ट्री है, आप घर पे बनाना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने फ्राई पैन में एक थोड़ा सा ऑयल लेना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून, और उसमें हम ऐड कर देंगे अपना चिकन और उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चिकन जब अपना कलर चेंज कर ले तो हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, और हम चूल्हे की जो फ्लेम है वो मीडियम पे रखेंगे, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ वेजिटेबल्स में, मशरूम लिया है मैंने और कैप्सिकम ली है, साथ मैंने लिया है ग्रीन पीस, और थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, और फिर साथ में इसमें ऐड कर दूँगी मिक्स हर्ब्स। इससे फ्लेवर बड़े मज़े का एक डिफरेंस आ जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा अक्सर ये अपनी जो खाने होते हैं जो मैं बना रही होती है उसमें मैं ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है। थोड़ा सा मैंने इसको उस पर स्प्रिंकल करना है इसके अंदर। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और वेट करूँगी कि इसका पानी जो है अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, और फिर मैं इसको रिमूव कर लूँगी चूल्हे से और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब मैंने ली है एक रोल पफ पेस्ट्री, ये रेडीमेड है, अगर आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। सिंपल आपने इसको ओपन करना है और इसके ऊपर जो मेरे चिकन और वेजिटेबल का मटेरियल है हम इसको अच्छी तरह स्प्रेड कर लेंगे। साथ में ऊपर ऐड कर लूँगी मोज़रेला चीज़, और फिर इसको दोबारा से इसी तरह से मैं इसको रोल कर लूँगी। ऊपर से हल्का सा एग लगा दूँगी और सेंटर से कट लगा कर इसको बेक कर लूँगी। बहुत ईजी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत क्विक बन जाती है और रमज़ान के लिए तो ये स्पेशल है। अफ्तारी में तो इसका बहुत मज़ा आएगा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे बहुत लाइक करते हैं, इवन कि मैं भी बहुत लाइक करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, गिव मी अ बिग थम्स अप। थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज़।